अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और रोज़े भी आपके अच्छे से गुजर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे फ्रिटर्स, और नॉर्मली जो हम सब्ज़ियाँ यूज़ करते हैं वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम वो सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करेंगे जो नॉर्मली चाइनीज़ डिशेज़ में यूज़ होती हैं। शायद इसीलिए इसका नाम चाइनीज़ पकौड़े रख दिया गया। आई एम प्रिटी श्योर चाइनीज़ को तो पता भी नहीं होगा कि ये कौन सी डिश है जो चाइनीज़ के नाम से चल रही है। बहरहाल बनते बहुत मज़े के हैं, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने जूलियन कट कर ली हैं सब्ज़ियाँ, और शिमला, गाजर, बंद गोभी और हरी प्याज है, और ये साथ में ऐड कर रही हूँ श्रेडेड चिकन, बॉयल्ड श्रेडेड चिकन है। आप चाहें तो आप किसी ग्रेवी से बचे हुए लेफ़्ट ओवर पीसेस भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हाफ कप मैं मैदा ऐड कर रही हूँ, और 1/4 कप कॉर्नफ्लावर का जा रहा है इसमें। आप चाहें तो इसकी जगह चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी जो है ये पकोड़े काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। इसके बाद 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर का है, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1 टीस्पून सॉल्ट जा रहा है इसमें, और 1/4 टीस्पून चिकन पाउडर है। इट्स ऑप्शनल, आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 2 टीस्पून मैंने चिली सॉस ऐड की है, और इसमें जाएगा 1 एग, और इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से। और ये इसी एग के साथ जो है वो मिक्स हो के अच्छे से ये हमारा बैटर रेडी हो जाएगा। अगर आपको लगे कि आपको इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत है तो बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करें, 2 या 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे तो ये आपका रेडी हो जाएगा। एकदम से पानी ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ये अंडे की वजह से ही मिक्सचर रेडी हो जाता है। तो साथ ही मैंने ऑयल रख दिया है, और इसे हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे इन्हें, और कोशिश करें कि आप इन्हें हाथ से ही कढ़ाई में डालें, तो इससे ये है कि जो पकोड़े हैं क्रंची से और क्रिस्पी से बनते हैं, गोल गोल शेप में नहीं आते। आप देखते होंगे कि अगर जब स्पून से आप ऐड करते हैं तो शेप पकोड़े की गोल हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि फिर इतने क्रिस्पी नहीं बनते। बस हम इसे मीडियम फ्लेम पे बना लेंगे, और गोल्डन होने पे हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।